वेलकम बैक टू द मैथ वारी दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती और आपका जो सुपर टेट है यूपीटी, कई सारी जो है खिचड़ी चल रही, उसी को लेकर जूनियर एडेड का धरना चल रहा आपका, है ना। और क्या कुछ चल रहा है उसमें, कोर्ट केस भी चल रहा है, वो अलग चल रहा है, धरना अलग चल रहा है, उसी के लेकर बड़ा ही असमंजस। इधर बच्चों ने ऐलान कर दिया सुपर टेट के धरने के लिए 23 तारीख को। जिसको ना पता हो भैया बता दे रहा हूँ अपने चैनल के, ना आप लोग बोले कि सर आप साथ नहीं थे। मेरा हमेशा साथ रहा यार, आप धरने में देख लेना, भीड़ तो लाइए आप, मैं लाइव जाऊंगा वहाँ पर लखनऊ में, मेरा तो ये प्लान है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा भीड़ आप बढ़ाए, जागरूक हो आप लोग। बस घर से ट्विटर और इसी में मस्त रहते हैं, और जो आपके नेता हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो आगे आ नहीं रहे इस धरने में। देखते हैं धरने का लेवल कहाँ तक जाता है, क्या होता है, क्या चल रहा है, क्या राजनीति है ना। बच्चे B.Ed B.T.C किए हैं, उनका उद्देश्य है शिक्षक बनना, लेकिन वो पता नहीं क्यों पार्टियों की राजनीति कर रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है, कोई समाजवादी पार्टी की तरफ, और चाहिए सभी को नौकरी मास्टर की सरकारी। तो जब आप एक सरकारी मास्टर, एक शिक्षक की नौकरी चाहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से दूर बढ़े। आप बच्चों को क्या सिखाएंगे, किसी आप पार्टी के बनकर ना चले। आप एक सरकारी कर्मचारी जब बन जाते हैं तो किसी एक आप पार्टी के नहीं होते, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस चीज़ों को समझना चाहिए आप लोगों को। तो जो लोग पहली बार आए चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जूनियर एडेड का केस दो लगे हो, कोई 22 को डेट बता रहा, कोई कई डेट बता रहा, तो उसका तो एक अजीब विडम्बना चल रही है, ठीक है। कुछ बच्चे उसमें जागरूक होकर धरना दे रहे हैं। वो जो धरना चल रहा है उसमें आप लोग भी जाएँ, जो जा सके। कई सारे बच्चे तो एकदम बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से, वो अपनी अलग तैयारी करने लगे। कोई कल को सिलेक्ट हो गया SSC जल्द 2021 में, अपना निकल लिया, है ना। तो ये चीज़ें चल रही हैं, कई सारे बच्चे अपना इधर उधर निकल रहे हैं। UPSI में कुछ हो गए तो अपना चले गए। तो ये सब चल रहा है, वो भर्ती के पीछे नहीं बैठे हैं। और बात बाकी सुपर टेट का धरना 23 तारीख से दोस्तों। और विजय किरण आनंद जी का सुनने में आ रहा कि वो प्रयागराज के DM बना दिए गए, जो महानिदेशक। अब देखते हैं महानिदेशक के पद पर वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्या है। एक अच्छे नेता है, उनको कुंभ के चक्कर में फिर ले जाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 2019 में कुंभ में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी। इस वजह से फिर एक बार उन्हें बनाया जा रहा। देखते हैं आगे क्या होता क्या नहीं। तो ये सारे मैटर हैं, ठीक है। तो समझना होगा आप लोगों को और जुड़ना होगा मैथ वारियर साथ। मिलते हैं अगले, टिल देन टेक केयर, बाय। तो सुपर टेट के धरना जो है आपका, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जूनियर एडेड का चल रहा हो जाए। नहीं तो आप लोग कमेंट करते हैं कि सर आप कभी धरना है उस पर नहीं बोलते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप जिसको नौकरी की सच में सभी को चाहिए, लेकिन यार कम से कम मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में या इस राज्य में न्याय मिलना थोड़ा सा मतलब भर्ती का एक स्टेज बन गया कोर्ट कचहरी। आप 69,000 को किसी को देख लीजिए यार, इसकी लग गई, मैं उसको कहता हूँ बहुत वो लकी है ना। इस समय सिस्टम में जो फंस गया, आप लेखपाल का उठा के देख लीजिए, कौन सी भर्ती ANM फंसी हुई है, मुख्य सेविका फंसी हुई UP SSC, कौन सी ऐसी भर्ती दोस्तों जो नहीं फंसी उत्तर प्रदेश में, है ना। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।